मोस्टली आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम तो यूज करते हैं, आप भी यूज करते होंगे तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिसे इनेबल कर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपका इंपोर्टेंट डेटा है तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोटेक्ट रहना बहुत जरूरी है। जिस ऑप्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस ऑप्शन के बारे में आपको पता था या नहीं मुझे कमेंट कर जरूर बताना। ये ऑप्शन इनेबल नहीं होता है, इस ऑप्शन को आपको खुद से इनेबल करना पड़ता है। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में ये ऑप्शन इनेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताने ही वाला हूं कि आपको कैसे इनेबल करना है। तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है और इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को विजिट करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइंस पर क्लिक करना है, इसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने काफी ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लेना है अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनेबल नहीं है। अब इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप चाहे तो इन तीनों ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन को तो इनेबल करना ही है। तो मैं लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं, टेक्स्ट मैसेज। अगर मैं टेक्स्ट मैसेज के ऑप्शन को इनेबल कर लेता हूं तो अगर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई हैक करने की कोशिश करता है तो मेरे पास OTP आ जाएगा, उस OTP के बिना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वो हैक नहीं कर पाएगा। तो चलिए मैं इसे इनेबल कर लेता हूं, इसके लिए आपको क्लिक करना है इस पर। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहां पर आपको टाइप करना है, 6 डिजिट का आपका OTP होगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब जैसे ही आप OTP डालकर नेक्स्ट करेंगे तो आपका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है। और इन फ्यूचर अगर आपका मोबाइल नंबर खो जाता है या बंद हो जाता है तो आपको लॉगिन कोड की जरूरत पड़ेगी। तो लॉगिन कोड आपको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब व्हाट्सएप पर आपके पास एक कोड आएगा, उस कोड को आपको यहाँ पर टाइप करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो मैंने कोड टाइप कर दिया है, तो चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे लॉगिन कोड मिल चुके हैं। एक लॉगिन कोड को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, आप फिर से न्यू कोड भी जनरेट कर सकते हैं। आपको कभी भी लॉगिन कोड की जरूरत पड़ सकती है तो इन सब का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इन्हें कहीं नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो इस तरीके से आप 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।